परफॉर्मेंस आती है निकल के, जो कि भाई काफी प्यारा सा तो जंप मारा अपनी लैंड क्रूजर ने, काफी प्यारा जंप तो कराने वाले कार का। और भाई ये पहली कार थी जो भयंकर 400 टच कार जा चुकी है, 400 प्लस तो नहीं की भयंकर ये, लेकिन हाँ भाई आगे कार अपनी बाकी। हाँ भाई चल रही है अभी भी काफी मस्त है भाई, फुल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मारते हुए चल रही है। हाँ भाई कार अपनी XUV 700 काफी अच्छी स्पीड में चल रही है इस टाइम पर, परफॉर्मेंस कारने की नंबर ने वाली तो काफी अच्छी स्पीड में कार भाई 400 प्लस तो चली गई थी, लेकिन भाई फिर वाली इसके सिर्फ हमने ऊपर से छत निकाली, बाकी भाई कार अपनी 7th गियर में 415 भाई मैक्स स्पीड गई हुई है। और भाई पता नहीं क्या परफॉर्मेंस आएगी निकल के, कार अपनी काफी अच्छी स्पीड में गई थी भाई फोर्ड अपनी ये कार। तो पब्लिक पब्लिक कैलचियाल पब्लिक हम आ चुके हैं एक और नए खतरनाक से गेम पहले में वापस। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5, और भाई फिर अपने पास अपना एक और नया खतरनाक सा रैंप जो कि भाई आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा अपना रैंप बना हुआ है ये भाई। इधर से कार लानी है अपने को पूरी प्रॉपर, और भाई नीचे से सामने की तरफ जंप कराना है। लेकिन भाई ये रैंप हमने काफ़ी ओवर टाइम भी ट्राई करा, लेकिन भाई अलग अलग डायरेक्शन में करा, यानी कि अलग अलग साइड पर कराइए। बाकी हम इस टाइम भाई बिस सिटी में है, देखते हैं ये कार अपनी क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के। और भाई इस पर हम ट्राई करेंगे आज अपनी इंडियन कार, देखते हैं अपनी इंडियन कार इधर क्या उखाड़ पाती हैं। भाई ये है अपनी कार जिसमें अपनी स्कॉर्पियो एन है, ये अपनी बुलेरो है, ये क्रेटा है, ये थार है अपनी मॉडिफाइड वाली ऑफ रोडिंग, और भाई ये वरना है अगर स्टार्टिंग की बात करें हम तो भाई क्रेटा लेके चलो। भाई चलते हैं अपनी जरा क्रेटा लेके नीचे, देखते हैं अपनी क्रेटा इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई कार तो काफ़ी ठीक सी है अपनी भाई। इधर से आराम से उतारते हैं जरा, और भाई अब देखते हैं जरा फुल रेस इसको। और भाई कार अपनी जा रही है भाई 400 प्लस गई थी, जो कि भाई काफ़ी नॉर्मल स्पीड है मेरे हिसाब से तो भाई इस रैंप पे भयंकर। बाकी मैं सोच रहा था यार काफ़ी ज़्यादा स्पीड होएगी, लेकिन नहीं भाई ये 400 प्लस ही गई बस भयंकर। बाकी भाई क्रेटा अपनी सेफ है, और आगे की तरफ हल्का सा डेंट आया बस, बाकी भाई कार अपनी सेफ है एक नंबर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन भाई अभी पता चलेगी चलाने के बाद परफॉर्मेंस आ क्या रही है निकल के, जो कि भाई डैमेज हुई है कार अपनी, लेकिन हाँ भाई चल रही ठीक है अपनी, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है निकाल के। तो इसको करते हैं धरी पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी। अब भाई ये बिल्डिंग कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रही भयंकर। ऑलराइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब के लेके चलने वाले हैं अपनी हम थार, देखते हैं इधर थार के उखाड़ पाती है, जो कि भाई वाइट कलर में ऑफ रोडिंग के लिए मॉडिफिकेशन हो रही है पूरी ही। और भाई मैंने जंप कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं करा दी है भयंकर, जिसमें भाई स्पीड 350 ही थी अपनी थार की, जिसने भाई यहाँ अपने जंप तो काफ़ी तगड़ा मारा। और भाई ये मेरे को लग रहा है क्रेटा से तो आगे गिरने वाली है एटलीस्ट जाके, बाकी यहाँ भाई इधर घरों में नहीं गिर जाए क्योंकि भाई अपने को ये ट्राई भी करनी है पूरी ही। और भाई ये इधर तो नहीं, हाँ भाई ठीक है चलो भाई इधर तक ठीक है ये। और भाई ये बंदा डर गया गलती भयंकर के, भाई ये क्या गिरा आसमान में से आगे। बाकी भाई कार अपनी इस टाइम पर इस वाली साइड से तो काफ़ी गलत डैमेज हो चुकी है, बाकी भाई मैं कार को चलाऊँ अगर तो हाँ भाई चल रही ठीक है कार अपनी, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे रही है निकाल के, एक नंबर परफॉर्मेंस तो आ रही है कार की भाई, काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रही है। और भाई इस टाइम पर ये पलट चुकी है कार अपनी, बाकी हाँ भाई सब कुछ ठीक ही है अपना। तो इसको करते हैं धरी पार्क, लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी। अब राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी है अपनी वरना की, देखते हैं हंडाई वालों की वरना इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के। भाई तो रुक जा आराम से भाई, पता चली थार की तरह ये भी जंप मारे भयंकर गलती। बाकी भाई कार अपनी काफ़ी अच्छी स्पीड में तो नहीं बोलूँगा, अभी 6th गियर में जा चुकी है। और भाई ये 400 तो नहीं भयंकर भाई, 400 तो जाए एटलीस्ट कार अपनी, लेकिन भाई ट्रैक छोटा है तो थोड़ा अपना सीन गलत हो सकता है। और भाई ये कार थोड़ी हल्की है तो आगे तो गिरनी चाहिए जाके, लेकिन भाई ये भाई उधर ही गिर रही है, थार अपनी उधर ही गिरी थी, ये इसके ऊपर गिरेगी शायद भयंकर। हाँ भाई इसके ऊपर ही गिरी है भयंकर आगे। बाकी भाई कार में इधर से उतारो तो पार्किंग है प्रॉपर भाई, पार्किंग नहीं भाई इधर से बंद हो रही है भाई, है तो पार्किंग है प्रॉपर अपनी, लेकिन भाई इधर से हो रही है बंद। तो भाई नीचे मेरे को नहीं लग रहा कि कार अपनी उतर पाएगी, तो इसको छोड़ते हैं इधर ही और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी है अपनी बुलेरो की, देखते हैं अपनी बुलेरो इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई कार है तो काफ़ी खतरनाक सी अपनी भाई, फुली ऑफ रोडिंग वाली है भाई, मैं ऑफ रोडिंग बोल रहा हूँ, पूरी SUV कार है अपनी, और भाई प्लस महिंद्रा वालों की है तो भाई ऑफ रोडिंग में तो नहीं आती है भयंकर अपनी। बाकी भाई ये भी 350 भाई, वही 370 की स्पीड भयंकर भाई, एटलीस्ट कोई तो कार हो अपनी जो 400 प्लस जाए। बाकी हाँ भाई कार सारी ही जंप अपने एक नंबर मार रही है भयंकर। बाकी भाई बुलेरो अभी तक सेफ अपनी भाई, कोई भी डेंट वगैरह नहीं आ पाया है। और भाई अब आ जाएगा भयंकर भाई, ये वरना के पास ही गिरी आगे तो भाई इसका तो तन बनता नीचे। बाकी हाँ भाई बुलेरो अपनी सेफ, आगे की तरफ डेंट आया हल्का सा बस,
और भाई ये इधर ही गिर गई आगे। भाई मैं सोच रहा है इधर से जंप हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई, इसको जरा सीधी करते हैं अभी। और भाई कार हम इस टाइम पर जंप करा के नीचे के कद्दू लाए, भाई ये सीधी स्विमिंग पूल में जाएगी इसमें मेरे ख्याल से। तो भाई हम इधर ले तो भाई नीचे तो गिरेगी आके, लेकिन भाई पता नहीं ये एरिया कौन सा भाई साहब। अब भाई इधर से निकलना मुश्किल हो जाएगा कार का अपनी का। तो भाई बुलेरो को भी इधर ही छोड़ते हैं अपनी और लाते हैं नेक्स्ट कार अब जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब बारी अपनी महिंद्रा वालों की स्कॉर्पियो एन की, इसको भगाते हैं जरा, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देती है। और भाई तू आराम से जरा, भाई हल्की सी भी जंप हुई चलो ठीक है। स्पीड की बात करें तो भाई 300 प्लस भाई 380 जाती है भाई सब मैक्स स्पीड। और भाई वो हल्की जब भाई नीचे आती है कार अपनी वो और कम हो जाती है भयंकर। आगे भाई स्कॉर्पियो है अपनी चलो ठीक ही गिर रही है। और भाई ये घरों में गिरेगी तो हो गया सीन अपने साथ तो गलत ही भयंकर, लेकिन नहीं भाई चलो ठीक है बाहर ही गिरेगी आके। लेकिन भाई सब कार पूरी बेकार हो चुकी है आगे से भी पीछे से भी भयंकर। बाकी भाई कार की बात करूँ मैं अगर चल रही तो भाई ठीक है, लेकिन भाई डैमेज काफ़ी गलत लेवल पर तो हो चुकी है कार अपनी भाई पूरी पिचकी आगे से पीछे से भयंकर। तो भाई स्कॉर्पियो एन ने चलो भाई परफॉर्मेंस तो ठीक थी अपनी निकाल के, लेकिन भाई डैमेज ज़्यादा गलत होगी। तो इसको करते हैं इधर पार्क, लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं अपनी कुछ न्यू कार लेके, जिसमें अपनी सुजुकी वालों की स्विफ्ट है भाई, सुजुकी वालों की ये सियाज है। और भाई ये टोयोटा वालों की ग्लेंजा है अपनी XUV 700 है। और भाई ये अल्टोरा G4U भाई कौन सी है, अल्टोरास G4 इसका भाई मैं हर बार नाम भूलता हूँ और भाई हर बार नाम गलत पढ़ता हूँ मैं। बाकी भाई स्टार्टिंग की बात करें तो हम लेके चलने वाले हैं स्विफ्ट अपनी, देखते हैं स्विफ्ट क्या परफॉर्मेंस देती है इधर निकाल के। तो भाई इसको चलते हैं यार नीचे लेके, जो कि भाई काफ़ी फास्ट तो है। और भाई इस मोल सी कार है अपनी, तो भाई जंप तो आराम से खा जाएगी बिल्कुल ही। बाकी भाई स्विफ्ट को भगा लेते हैं इधर से अगर परफॉर्मेंस निकलवाएं इससे। तो भाई ये भी 370 ही गई थी। और भाई ये पता नहीं इसमें, हाँ भाई डेंट आया आगे की तरफ हल्का सा भाई ये रहा। बाकी भाई कार का भी नीचे पता चल जाएगा सीन होता क्या एक्चुअल में जाने के बाद अब। और भाई ये इसकी छत पे मत गिरी हो भयंकर, भाई इधर सीन हो जाएगा गलत ही भाई अगर गिरी तो भयंकर। भाई इस वाली छत पे ठीक है भाई, ऊपर वाली जो है ना इस पे नहीं गिरनी चाहिए कार अपनी। और भाई मेरे को नहीं लग रहा कि स्विफ्ट इधर से निकल पाएगी अपनी, क्योंकि भाई इधर ये गलत ही फंस चुकी है। तो भाई स्विफ्ट को छोड़ते हैं चलो इधर ही और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब, क्योंकि भाई निकलने वाली तो कार अपनी है नहीं इधर से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब लेके चलने वाले हैं अपनी हम सियाज, देखते हैं अपनी सियाज इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के। भाई रुक जा आराम से, भाई जंप हो जाएगी भयंकर बचगी, वरना भाई गलत स्पीड मिस इस भाई स्पीड कम हो जाती है इसकी कार की। और भाई अच्छी स्पीड में भाई ये वही भयंकर भाई पता नहीं चलता जंप होने के बाद एकदम क्यों स्पीड गिरती है कार की। बाकी भाई इसका जंप मेरे को लग रहा थोड़ा आगे, भाई कद्दू आगे नहीं उधर ही गिरने वाली है। भाई इसकी छतों पर मत गिर जाइए बस जाके, इसको मैं घुमा लूँ अगर ऐसे तो भाई नहीं जाने वाली है। हाँ भाई ये ठीक है भयंकर, पता चलिए उधर पानी वानी में गिरे जाएगा और हम इसको ट्राई भी नहीं कर पाए सही से। बाकी हाँ भाई कार अपनी पीछे से काफ़ी गलत डैमेज तो हुई है भयंकर। परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की तो हाँ भाई चलो ठीक ही दिए निकाल के कान में। तो भाई कार को करते हैं इधर ही पार को, लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब बारी है अपनी टोयोटा वालों की ग्लेंजा की, देखते हैं ये क्या उखाड़ पाती है कार अपनी। भाई कार तो काफ़ी ठीक है अपनी भाई टोयोटा वालों की। और भाई ये ड्रिफ्ट ज़्यादा नहीं हो रही भयंकर, भाई आराम से लेके चलते हैं। और भाई ये ग्लेंजा वी है अपनी, भाई इनमें LVU पता नहीं कोई ज़्यादा ही मॉडल होते हैं भयंकर। बाकी अपने पास है भाई वी, तो इसको लेके चलते हैं ज़रा, जो कि भाई सिक्स्थ गियर में। और भाई ये काफ़ी नहीं डैमेज हुई भयंकर अपनी रैंप पे ही। बाकी हाँ भाई कार अपनी चलो ठीक ही जा रही है। और भाई ये डैमेज तो हो गई थी काफ़ी गलत ही भयंकर। बाकी भाई ये काफ़ी क्लोज में तो कार अपनी गिर रही है भाई ये सीन, जो कि भाई चलो बच गई कार के ऊपर नहीं गिरी भयंकर। बाकी भाई मैं कार की बात करूँ तो हाँ भाई चलो परफॉर्मेंस ठीक ही दिया कान ने निकाल के भयंकर, भाई इतनी दूर भी नहीं गिरी है क्लोज में ही गिरी है। तो हाँ भाई इतनी परफॉर्मेंस खास नहीं दी, मैं मीडियम ये परफॉर्मेंस कार की। तो इसको करते हैं धरी पार्क, लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब बारी है अपनी XUV 700 की, जो कि भाई महिंद्रा वालों की है। देखते हैं अपनी कार इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई काफ़ी तगड़ी कार है अपनी XUV 700, जो कि भाई हल्का सा तो जंप खा चुकी है। बाकी भाई इधर से काफ़ी प्यारा जंप तो कराने वाले हैं कार का। और भाई ये पहली कार थी जो भयंकर 400 टच भी हुई है, वरना भाई कोई कार कद्दू कुछ टच नहीं हो पाई। बाकी भाई ये गिनने वाली तो मैं बोलूँ पता नहीं भाई किधर जा सकती है, भाई इसके ऊपर नहीं जाए बस भयंकर। भाई बराबर वाले पे गिर जाए वहाँ से मैं नीचे उतार सकता हूँ भयंकर, हाँ भाई यहाँ से मैं उतार लूँगा नीचे। भाई इससे ऊपर वाली से भाई नहीं उतरने वाली थी नीचे बिल्कुल भी।
भाई की भाई इधर से उतारू मैं भाई, इधर सीन हो गया, रुको जरा इधर से भगाऊं अगर भाई। अब उतर जा भाई, उतरेगी ये भाई, ये एज ए फिलिप खा के उतारनी पड़ेगी बाकी। हाँ भाई कार अपनी XUV 700 काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रही है इस टाइम पर, परफॉर्मेंस कार ने एक नंबर दिया निकाल के। कार भाई अभी भी देख रहे होगे तुम कंट्रोल क्या है कार की, और भाई क्या चल रही है एक नंबर अपनी परफॉर्मेंस भाई, एक नंबर दिया कार ने निकाल के। तो इसको करते हैं धरी पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी है महिंद्रा वालों की अल्टोरा G4 की, जो कि भाई काफ़ी तगड़ी कार अपनी। और भाई दूसरी बात ये कि SUV काफ़ी ख़तरनाक वाली महिंद्रा वालों की, तो भगाते हैं इसको भी अगर फुल स्पीड में अगर हम, तो भाई स्पीड ये भाई ये भी टच कर गई थी चलो 400 आराम से, भयंकर अपनी कार जो कि भाई रेड कलर में काफ़ी अच्छी तो लग रही है भयंकर। बाकी भाई नीचे जाके पता चलेगा भाई किधर गिरेगी, डैमेज कितनी होती है, जो कि भाई मेरे को लग रहा भाई ये अंदर तो नहीं गिर भाई, अंदर नहीं बस भयंकर भाई, यही बोल रहा था मैं अंदर नहीं गिरना है भयंकर यार, इधर से निकालनी क्या पड़ेगी अपने को अभी। गाइस चलो भाई हम कार अपनी एटलीस्ट बाहर लेके आ चुके हैं, जो कि भाई आगे पीछे से थोड़ी पिचक तो गई है भाई ठुक ठुक के, बाकी भाई कार अपनी चल रही मस्त है एक नंबर, परफॉर्मेंस तो नहीं बोलूँगा मैं भाई, ड्रिफ्ट ज़्यादा हो रही है कार अपनी भयंकर। तो भाई कार चलो मीडियम ही परफॉर्मेंस दिए कार ने निकाल के, तो इसको करते हैं धरी पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब। ऑलराइट गाइस, अपने हम न्यू कार स्पॉन करा के आ चुके हैं फिर से वापस, जिसमें अपनी MG एक्टर, टाटा वालों की हैरियर, सुजुकी वालों की ब्रेजा, इनोवा, डस्टर। बाकी हम भाई स्टार्टिंग करें अपनी डस्टर लेके चलते हैं भाई, अगर कार के लिस्टों में डस्टर है तो भाई हम सब में पहले डस्टर को ही लेके चलते हैं भयंकर, देखते हैं ये क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई कार तगड़ी। और भाई अभी से थोड़े कंट्रोल हिले हुए लग रहे हैं मेरे को कार के, भाई कंट्रोल में नहीं आ रही भयंकर। बाकी हाँ भाई कार मैं बोलूँ इतनी तगड़ी नहीं है, मीडियम कार है अपनी, बाकी अभी पता चल जाएगा क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई काफ़ी ही इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी कार ने भयंकर। बाकी भाई नीचे का सीन पता चले कहाँ जाने वाली है कार अपनी, भाई मेरे को लग रहा है इस वाली साइड पर गिरेगी जाके, क्योंकि भाई बाहर तो गिरने वाली है नहीं। चलो भाई ये भी ठीक है, इधर गिरी है आराम से, और भाई मैं से यहाँ से बाहर निकाल दूँगा काफ़ी प्यार के साथ। बाकी हाँ भाई कार ने इतनी खास कुछ परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से नहीं दे रही भाई ये निकाल के, तो इसको करते हैं धरी पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई हम लेके चलने वाले अपनी ब्रेजा, देखते हैं इधर ब्रेजा क्या उखाड़ पाती है। और भाई ये काफ़ी फास्ट नहीं लग रही भयंकर ब्रेजा मेरे को, तो थोड़ी सी भाई हमने हैरियर में गलती डेंट दे दिया। बाकी भाई सुजुकी वालों की बात अभी पता चलेगी भयंकर, भाई ब्रेजा है अपनी जो कि भाई 400 प्लस तो टच करके गई थी आराम। बाकी हाँ भाई कार अपनी चलो ठीक ही जंप मारा भाई, आगे डेंट तो आ चुका लेकिन भाई ये गिनने वाली तो चलो भाई ठीक ही अपना, भाई घरों के अंदर तो नहीं जाने वाली बिल्कुल भी, इधर की तरफ आइए, इधर से भाई ऊपर की तरफ ही भगाएं अगर तो। हाँ भाई परफॉर्मेंस में बोलूँ तो ठीक ही दिया कार ने निकाल के, अगर मैं ऊपर की तरफ चलूँ तो भाई इधर से डैमेज तो हो चुकी है कार काफ़ी ज़्यादा गलत, पता नहीं भाई क्यों अपने टेक्सचर इधर से थोड़े गायब हो रहे हैं GTA के। बाकी हाँ भाई कार ने चलो परफॉर्मेंस ठीक ही दिए निकाल के, तो कार को ले जाके करते हैं इधर पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी है अपनी टाटा वालों की हैरियर की, देखते हैं हैरियर क्या कर पाती है। और भाई अपने को सीधी स्ट्रेट ही ले जानी पड़ेगी भयंकर, और भाई ये पूरी तो जंपी होगी भाई लेके कि क्या कद्दू जानी है अपने को ये, भाई अब सीधी भगा लेता हूँ मैं इसको, जो कि भाई चलो फिर भी 300 चलेगी यार कार अपनी भयंकर। और बाकी भाई ये गिनने वाली तो काफ़ी क्लोज में, और भाई काफ़ी स्लोली नीचे जाएगी ये पता नहीं क्यों, क्योंकि भाई जंप खा गई थी मैं भाई पता नहीं क्यों बोल देता हूँ और बाद में, लेकिन भाई ये कार अभी इधर भाई घर के अंदर तो नहीं। हाँ भाई ये ठीक है भाई, ये सीधी गली के अंदर ही रुकती है जाके अभी भयंकर। बाकी हाँ भाई कार में बोलूँ तो परफॉर्मेंस इतनी खास तो नहीं देने वाली, मगर हाँ भाई ड्रिफ्ट एक नंबर मारती है भयंकर कार अपनी है भाई, ड्रिफ्ट काफ़ी ख़तरनाक मारती है कार अपनी है। तो भाई कार की बात करें मैं, परफॉर्मेंस तो इतनी खास कुछ दी नहीं है इसने निकाल के, तो इसको करते हैं धरी पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी है अपनी इनोवा की, देखते हैं इनोवा इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के। और भाई इनोवा की भी स्पीड कुछ ज़्यादा हाई लग रही है मेरे को, और भाई ये भी मैंने गलती जंप करा दी, चलो भाई स्पीड फिर भी ठीक ठाक बन जाएगी कार की अपनी, जो कि भाई 300 प्लस चलेगी आराम से। चलो भाई इसमें भी डेंट आ चुका है क्योंकि भाई इसकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा है ना भयंकर कार की। बाकी भाई कार की बात करें तो अभी पता चलेगा भाई क्या सीन होने वाला कार के साथ, जो कि भाई घरों में मेरे ख्याल से गिर रही है भयंकर। इधर से उतरेगी या नहीं भाई, इधर से उतरने केड़ा पड़ जाएगा भयंकर अपने लिए। बाकी भाई कार अपनी ऑलमोस्ट ही ख़त्म सी हो चुकी है भाई इधर ही, तो मेरे को नहीं लग रहा इसके चलाने का भी कुछ फ़ायदा होने वाला,
क्योंकि भाई कार आपको दिख रही होगी क्या हाल हो चुका है कार का इस टाइम पर। भाई आगे से पूरी खत्म और भाई पीछे भी गलत ही डेंट आ चुका कार में, तो इसको छोड़ते हैं इधर ही और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी। अब ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी है अपनी एमजी एक्टर की। देखते हैं अपनी एमजी इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के। भाई तो रुक जा, रिवर्स में क्यों जा रही है भाई, अब आई है ना गियर में बहन के। ठीक है भाई ये एमजी अपनी भाई ठीक है इस टाइम पर। बाकी भाई लुक वुक तो काफ़ी ठीक आ रहा कार का और ये मारा इसने जंप काफ़ी खतरनाक। बाकी स्पीड भाई वही रहती है अपनी 300 कार की, भाई उससे ऊपर जा ही नहीं सकते क्योंकि भाई ट्रैक ही नहीं है इतना लंबा अपने पास। बाकी भाई कार ये भयंकर भाई फिर उधर गिर रही है जाके, नहीं भाई ये रोड पे गिरने वाली है इस टाइम पर। तो कार अपनी आराम से भयंकर भाई रोड पे तो जैसी गिरी गिरी है, लेकिन भाई कार अपनी पूरी ख़त्म सी होगी भाई एक साइड से। भाई इधर से देखें हम तो कार ठीक है, आगे डेंट पीछे डेंट हल्का सा, लेकिन भाई इधर से देखें तो कार अपनी ऑलमोस्ट भाई सब पूरी ख़त्म हो चुकी है अपनी एमजी एक्टर। बाकी भाई परफॉर्मेंस की बात करें तो कार ने भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है भयंकर निकाल के। तो भाई कार को करते हैं इधर पार्क, लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं अपनी एक और न्यू कार लेके वापस, जो कि भाई साहब हुंडई वालों की कैस्टियो। देखते हैं अपनी कैस्टियो उधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई कार है तो काफ़ी तगड़ी अपनी, काफ़ी अच्छी स्पीड में जा रही है। सिक्स्थ गियर में थी कार अपनी और भाई 300 प्लस काफ़ी आराम से। और भाई SUV है पूरी अपनी भाई इनोवा की तरह भयंकर लंबी सी कार, और भाई इसमें भी सेम टू सेम वही डेंट आया जो अपनी इनोवा में आया था लास्ट टाइम। बाकी भाई कार अपनी उल्टी गिरेगी तो भाई गलत डैमेज हो सकती है, लेकिन नहीं भाई रुक जाओ भाई साहब बंदों में गलत भिड़ जाती है, अभी मैंने सही टाइम पर रोक ली। बाकी भाई कार की बात करें तो हमें चल रही ठीक है, अभी भी अच्छी है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ रही है निकल के। डैमेज भी चलो कमी हुई थी कार अपनी, तो भाई इसको करते हैं धरी पार को, लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके अपनी एक और न्यू कार लेके, जो कि भाई साहब अपनी स्कॉर्पियो S10 महिंद्रा वालों की। और भाई भाई भगाते हैं अपनी कार को जरा फुल स्पीड में, देखते हैं कार अपनी क्या उखाड़ पाती है, जो कि भाई 350 की स्पीड में गई थी कार अपनी इस टाइम पर। और भाई थोड़ी स्लो मोशन से हमें पता नहीं क्यों होगी कार बीच में अपनी। बाकी भाई ये हाईवे पे मेरे ख्याल से गिनने वाली है भाई, ठुकी गलत है रैंप में अपने में भाई कार के ऊपर नहीं, भयंकर भाई रेड वाली कार के ऊपर गिरी है, जो कि भाई इनने एक साइड से पूरी ही कार पिचका दी अपनी। बाकी भाई मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कार अपनी ठीक ठाक चल रही है भाई, काफ़ी तगड़ी स्पीड में आ रही है भाई, ठीक ठाक नहीं भयंकर भाई फुल बूस्ट बूस्ट मारती जा रही है अपनी स्कॉर्पियो S10। तो भाई चलो कार ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया निकाल के, इसको करते हैं इधर पार्क, लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपनी हुंडई वालों की ALC 21 MG की। देखते हैं कार क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई येल्लो कलर में काफ़ी खतरनाक लग रही है। और भाई जाने वाली तो काफ़ी अच्छी स्पीड में कार भाई, 400 प्लस तो चली गई थी, लेकिन भाई फिर 300 पे आ गई कार अपनी। बाकी भाई ये पता नहीं नीचे अब किधर गिरने वाली है भाई, घरों पे ना गिरे तो बेहतर है भयंकर, क्योंकि भाई वहाँ से निकालना अपने को केड़ा पड़ जाता है। और भाई इस वाले ऊपर गिरने वाली है भयंकर भाई, भाई उधर नहीं भाई इधर नहीं, चलो ठीक है ऊपर भी। बाकी भाई मैं इसको जुगाड़ अगर यहाँ से निकालने का भी लगाऊँ सामने की तरफ भिड़ाऊँ से तो भाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठुक सकती है, लेकिन भाई आगे चलो बाहर आ गई भयंकर भाई, सही माँ भाई सही ठोक ली हमने भयंकर, सीधी ऊपर से नीचे आ गई कार अपनी। बाकी हाँ भाई चल रही है अभी भी काफ़ी मस्त है भाई, फुल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मारते हुए चल रही है कार अपनी ALC 120 MG। तो हाँ भाई कार ने परफॉर्मेंस बढ़िया दी है काफ़ी निकाल के, भाई डैमेज तो हुई है कार, लेकिन भाई अभी भी एक नंबर चल रही है भाई फुल ड्रिफ्ट खाती हुई। तो भाई कार को करते हैं धरी पार को, लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं अपनी एक और कार लेके वापस, जो कि भाई साहब अपनी थार। और भाई ये थार हमने भाई सिंपल वाली इससे पहले ट्राई की थी स्टार्टिंग में, भाई वो फुली ऑफ रोडिंग थी भाई ये सिंपल वाली, इसके सिर्फ हमने ऊपर से छत निकाली। बाकी भाई कार अपनी सेवन्थ गियर में 415 भाई मैक्स स्पीड गई थी इसकी इस रैंप पे। बाकी भाई ये फिर नीचे आ गई और भाई पता नहीं गिरने वाली है किधर कार अपनी, क्योंकि भाई हाँ भाई अब ठीक है भाई, अब तो उस पर बिल्कुल भी नहीं गिरने वाली, उसकी छतों पर जाके भाई इधर गिर जाएगी। इधर से हम काफ़ी आराम से निकाल सकते हैं कार को, और भाई ये किधर भिड़ी भयंकर भाई आगे से, मेरे ख्याल से काफ़ी गलत डैमेज तो आया पीछे, हाँ भाई पूरी टेढ़ी होगी भाई जैसे गिरी है ना नीचे की तरफ भयंकर भाई, काफ़ी ज़्यादा गलत डैमेज होगी। बाकी हाँ भाई कार अपनी एक नंबर परफॉर्मेंस दे रही है निकाल के, काफ़ी अच्छी चल रही है कार अपनी इस टाइम पर। तो भाई कार को करते हैं धरी पार्क, भाई कार को करते हैं धरी पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी है अपनी हुंडई वालों की होंडा सिटी हाइप की, जो कि भाई काफ़ी तगड़ी कार लग रही है अपनी। देखते हैं अपनी सिटी इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के फिफ्थ गियर में, और भाई वही 390 की स्पीड। और भाई कार अपनी चलो भाई एक फ्लिप लगा दी हमने काफ़ी आराम से, और भाई कार अपनी डैमेज नहीं हुई है बिल्कुल भी भयंकर, ये सेफ है।
बाकी भाई नीचे पता चलेगा कार के साथ एक्चुअल में सीन होता क्या है भाई, डैमेज होएगी या नहीं, ठीक गिरेगी या नहीं अपनी। लेकिन हाँ भाई कार अपनी काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस में तो गिरी है भयंकर। बाकी भाई ये नीचे मेरे ख्याल से इधर से मुश्किल निकलने वाली है भाई, इधर से तो भाई फंस गई है गलत इधर भयंकर। बाकी भाई पता नहीं अपने टेक्चर इधर मिक्स क्यों हो रहे हैं इधर ये। बाकी हाँ भाई कार ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी है निकाल के, भाई कार को कर देते हैं इधर ही पार को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर अपनी कुछ न्यू कार स्पॉन करा के, इसमें फॉर्चूनर लेजेंडर अपनी स्कॉर्पियो S11 टोयोटा लैंड क्रूजर फोर्ड एवरेस्ट भाई भाई फॉर्चूनर सिंपल वाली अपने भाई बुलेरो का कैंपर ट्रक ये टोयोटा टैकोवा और भाई टोयोटा हिलैक्स। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो हम भाई अपनी फोर्ड लेके चलते हैं, जरा देखते हैं अपनी फोर्ड एवरेस्ट इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई कार एक्चुअल में है काफ़ी खतरनाक भाई। अभी पता चल जाएगा भाई सारी अपनी SUV हैं और भाई पता नहीं क्या परफॉर्मेंस आएगी निकल के। कार अपनी काफ़ी अच्छी स्पीड में गई थी भाई, फोर्ड अपनी ये काफ़ी तगड़ी स्पीड में जा रही है। बाकी भाई अभी पता चल जाएगा सीन होने क्या वाला है इसके साथ, और भाई ये ठीक ठाक गिरने वाली है नीचे मेरे ख्याल से, तो भाई काफ़ी क्लोज गिर गया यार ये कार अपनी भयंकर भाई, जानी काफ़ी दूर थी लेकिन भाई जिधर गिरी उधर भी भाई पूरा चटका दिया इसने भयंकर। बाकी भाई इधर से ऊपर जाने का सीन भाई मिल गया अपने को, यार छच्चा हटो इधर से ज़रा भाई, ये बंदे कह रहे होंगे कार यार पता नहीं किधर किधर से गिर रही है आगे। भाई इधर मैं बाहर निकालूँ अगर भाई अलग ही काम चल रहा है बिल्डिंग में अपनी में, इधर से अगर मैं बाहर निकालूँ तो हाँ भाई ठीक ही चल रही है कार अपनी, एक नंबर परफॉर्मेंस आ रही है निकल के भाई, लुक वुक भी कार का काफ़ी तगड़ा लग रहा है भयंकर इस टाइम पर। तो भाई कार को छोड़ते हैं इधर ही और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी है अपनी फॉर्चूनर की। भाई ये सिंपल वाली फॉर्चूनर ये लेजेंडर है, इसको भाई ट्राई करेंगे अभी, लेकिन भाई पहले फॉर्चूनर लेके चलते हैं अपनी, देखते हैं फॉर्चूनर इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई आधा रैंप तो भयंकर भाई अपना जंप में ख़त्म हो जाता है। बाकी भाई ये 350 की स्पीड में सिक्स्थ गियर में कार अपनी, जो कि भाई मैं ठीक तो नहीं बोलूँगा फॉर्चूनर को भयंकर, और भाई ये काफ़ी क्लोज में गिर रही है लास्ट वाली कार अपनी। भाई SUV है ना यार, काफ़ी भारी कार होती है तो भाई मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर जा नहीं पा रही है, क्योंकि भाई स्पीड अपनी जो छोटी वाली कार थी उनकी भी इतनी थी और इनकी भी इतनी ही है, लेकिन भाई वो काफ़ी दूर गई थी, लेकिन भाई ये बिल्कुल भी नहीं गई। और भाई ये इधर से मेरे को नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी निकल पाएगी, भाई निकल जा भाई निकल गई, चलो बढ़िया। भाई कार की बात करें तो भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कार ने निकाल के, भाई डैमेज तो हुई है हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा गलत डैमेज हुई है, लेकिन भाई चलो जितनी हुई है चलो ठीक है। तो कार को छोड़ते हैं इधर ही और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी है अपनी लैंड क्रूजर की, देखते हैं इधर लैंड क्रूजर अपनी क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई एक पाकिस्तानी कार है, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इंडिया में नहीं है इतनी। बाकी हाँ भाई कार है काफ़ी पावरफुल, तभी पता चल जाएगा क्या परफॉर्मेंस आती है निकल के, जो कि भाई काफ़ी प्यारा सा तो जंप मारा अपनी लैंड क्रूजर ने इधर। भाई ये गिरने वाली हाँ भाई उन कारों से दूर गिर रही है थोड़ी सी तो जाके ये, और भाई SUV है ना यार भारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो भाई इस वजह से क्लोज में गिर रही है अपनी। और भाई ये गिर चुकी है कार अपनी इधर, जो कि भाई रुकी भी नहीं भयंकर एकदम। भाई ये डेंट तो काफ़ी गलत आगे होगा आगे, हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा डेंट आगे आगे की तरफ। बाकी भाई मैं कार को चलाऊँ अगर तो हाँ भाई चलेगी काफ़ी मस्त, परफॉर्मेंस एक नंबर आती है कार की निकल के। बाकी भाई इधर हम थोड़ी छोटी सी टनल थी इधर से लेके आगे, भाई साहब इनके फ्लिप खाई है भयंकर भाई, इतनी जल्दी कैसे फ्लिप खा गई भाई ट्रक आगे करना, वो भाई बंदा वो भी सो गया मेरे ख्याल से, भाई पता नहीं क्या सीन है बंदों का। बाकी हाँ भाई लैंड क्रूजर है काफ़ी पावरफुल अपनी, तो भाई कार को करते हैं इधर पार्क, लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी है अपनी फॉर्चूनर लेजेंडर की, भाई लेजेंडर को चलते हैं जरा नीचे लेके, जो कि भाई गलत तो नहीं लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा गलत, भाई ड्रिफ्ट होती है भाई जिस डायरेक्शन में गिरी है भाई यहीं पर ये सीधी फुल स्पीड में चले बस, क्योंकि भाई मैंने जरा सी भी घुमाई तो पूरी ड्रिफ्ट खा जाएगी भाई अपने रैंप पर ही भयंकर। बाकी हाँ भाई फॉर्चूनर चलो ठीक अभी तक तो गई है नीचे, और भाई ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है उस बिल्डिंग में गिरेगी जब काम चल रहा है, भाई ये उसके अंदर ही गिरने वाली है भाई ऊपर तो नहीं यार भयंकर, भाई नीचे गिर जाती है एटलीस्ट, भाई ऊपर गिरी है ये जो कि भाई सीधी बाहर इधर से, चलो भाई डेंट तो आने ही आना भाई ऊपर से नीचे गिरेगी जब। बाकी हाँ भाई ये सीन बोल रहा था मैं, कार काफ़ी ज़्यादा गलत ड्रिफ्ट होगी और भाई ये डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इस टाइम पर कार अपनी। चलो भाई जैसा भी परफॉर्मेंस दिया अपनी फॉर्चूनर ने दिया तो बढ़िया ये निकाल के, लेकिन हाँ भाई लैंड क्रूजर ने ज़्यादा तगड़ा दिया था निकाल के, तो भाई कार को करते हैं धरी पार को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी है अपनी महिंद्रा वालों की स्कॉर्पियो S11 की, देखते हैं अपनी
S11 इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई कार काफ़ी तगड़ी है, जरा आराम से लेके चलते हैं भाई, एकदम जेड ब्लैक हो रही है पूरी कार। बाकी भाई परफॉर्मेंस की अभी पता चलेगी भाई, सेवन्थ गियर में कार जा चुकी है 400 प्लस तो नहीं की भयंकर ये, लेकिन हाँ भाई जंप काफ़ी दूर तक मेरे को लग रहा मारेगी भाई ये, क्योंकि भाई ये थोड़ी सी तो हल्की है और कारों के मुकाबले देखा जाए अगर, और भाई ये इसकी छतों वतों पर तो गिनने वाली गलत है भाई। रुक जा इधर, रुक जा रुक जा भयंकर भाई, ये सीन निचारा मैं, नीचे गिरी तो अपनी कार निकल नहीं पाएगी इधर से भाई, इधर से जरूर निकल जाएगी। हाँ भाई ये ठीक है। ऑल राइट गाइस, कार हम भाई इस टाइम पर लेके आ चुके हैं अपनी बाहर। बाकी भाई कार की बात करें अगर तो डैमेज हाँ भाई दिख रही होगी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इस टाइम पर कार अपनी। परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई अभी पता चल जाएगा भाई, परफॉर्मेंस वैसे ठीक ही दिया कान ने निकाल के इसे हम चलाएँ अगर भाई, अभी भी काफ़ी हाई स्पीड में भाई जब भी ठुक रही है इतनी। अभी भाई मैं जब भगाऊँ कार को तो काफ़ी अच्छी स्पीड में इस टाइम पर भी कार अपनी चल रही है, एक नंबर परफॉर्मेंस दे रही है निकाल के। तो भाई कार को करते हैं धरी पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से, क्योंकि भाई कार ने परफॉर्मेंस तो स्कॉर्पियो S11 ने एक नंबर दिया भयंकर निकाल के, तो लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब जल्दी से। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी अपने टोयोटा वालों के हिलैक्स को, भाई तीनों ही अपने ट्रक बचे हुए हैं इधर इंडियन, और भाई ये अपने टोयोटा हिलैक्स से अभी को भी चलते हैं जरा नीचे लेकर, जो कि भाई काफ़ी अच्छी स्पीड में तो नहीं भाई, अभी पता चलेगी स्पीड आती गया निकल के। सिक्स्थ गियर में 400 प्लस अपनी भाई हिलैक्स ट्रक गया था इधर, जो कि भाई टोयोटा वालों का है, और भाई ये काफ़ी दूर तो नहीं भाई क्लोज में गिनने वाला भयंकर अपने, और भाई तो सीधा गिरी भाई, इधर सीन हो सकता है भाई, ये जा किधर रहा है भाई, इधर अंदर तो नहीं यार एटलीस्ट भाई, इधर से बाहर निकलेगा नहीं भाई, चलो इधर से बाहर निकाल लूँगा इसको काफ़ी आराम से, इसको ज़रा बाहर निकालता हूँ मैं इधर से पहले। राइट गाइस, अपने ट्रक लेके आ चुके हैं इस टाइम पर बाहर। बाकी भाई मैं ट्रक को भगाऊँ अगर अपने को, भाई इधर ट्रैफिक क्यों हो रहा भयंकर, बाकी भाई मैं इसको भगाऊँ अगर तो काफ़ी तगड़ी स्पीड में तो भाई चलने वाला है ये, और भाई ये हिलैक्स ट्रक अपना टोयोटा वालों का, और भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही भगा दिया इस दिन अपने को, भाई सीधे इधर पाइपलाइन बन रही है नीचे फेंक के मारा है काफ़ी गलत, तो भाई लाते हैं अपना नेक्स्ट ट्रक अब, क्योंकि भाई इसने परफॉर्मेंस ठीक ही दी है अपनी हिलैक्स ने निकाल के। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी अपने ब्लेरो वालों की SUV ट्रक की, जो कि भाई महिंद्रा वालों का काफ़ी खतरनाक भाई ब्लेरो कैंपर है अपने, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देता है निकाल के, जो कि भाई हिलैक्स ने तो अपनी चलो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दी है निकाल के। भाई इसको और भगाते हैं इधर से, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देता है, जो कि भाई अच्छी स्पीड में तो नहीं जाने वाला भाई, गया एक काम से भयंकर भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई, इसका इंजन विंजन भी सब गायब हो चुका है इधर से भाई, इसको हमने इधर से जंप करा दिया हल्का सा, और पता नहीं भाई ये किधर गिनने वाला जाके गलती। बाकी भाई अब रह चुका है अपना टैगोवा ट्रक, और बचा है भाई उसको हम ट्राई करेंगे। बाकी भाई इसको छोड़ दें इधर ही और लाते हैं नेक्स्ट ट्रक अपना। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी अपने टैगोवा ट्रक की, जो कि भाई साहब ये भी टोयोटा वालों का ही है अपना, जो कि भाई काफ़ी पावरफुल ट्रक है भयंकर अपना, तो भाई इसको भी चलते हैं जरा आराम से नीचे लेकर। बाकी भाई अभी रेस की पता चलेगी भयंकर भाई स्पीड आती कितनी है इसकी निकल के, जो कि भाई हमने जंप तो कराया है नहीं, काफ़ी आराम से कुदाया भयंकर नीचे, सिक्स्थ गियर में जा चुका है इस टाइम पर ये, और भाई ये 300 प्लस तो गया था एटलीस्ट भयंकर। बाकी भाई ट्रक अपना इतना डैमेज नहीं हुआ, काफ़ी पावरफुल है। बाकी भाई नीचे का सीन पता चले भयंकर गिनने वाला किधर है भाई, इसके ऊपर तो नहीं है बिल्कुल भी, डैमेज हो जाएगा गलती भाई ये सीन भाई, इधर पाइपों में गिर गया जिसने भाई अपने भाई, हमने नहीं के सारे ही पाइप भयंकर नीचे गिरा दिए गलती। बाकी भाई इसमें आगे की तरफ डेंट तो आया काफ़ी गलत भाई, बंदे काफ़ी घूर घूर के देख रहे हैं, इधर से निकल लेते हैं हम जरा जल्दी से। बाकी हाँ भाई ट्रक ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी है अपनी निकाल के, भाई ठीक ठाक चल रहा है अभी भी, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है अपने ट्रक ये टैगोवा वालों का। तो गाइस ये थी आज की अपनी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और गाइस कमेंट बॉक्स में करना एक प्यारा सा कमेंट, अगर कोई भी भाई नया हो चैनल पे अपने तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं एक और नई खतरनाक सी रैंप की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।